नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो आज रामराज मंदिर चिटाई धाम के तत्वाधान में विष्णु महायज्ञ का आयोजन रामराज मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित की गई थी, इसमें 13 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक के इस कार्यक्रम का निर्णय लिया गया था, जिसमें 13 फरवरी को जो जल यात्रा के रूप में दामोदर नदी से चलकर रामराज मंदिर चिटाही धाम प्रस्थान होना था, जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से लाखों लाख के राम भक्त सभी भाई बहन जल यात्रा के रूप में दामोदर नदी से चलकर रामराज मंदिर चिटाही धाम आए। मैं उन सभी राम भक्तों भाई बहनों को मैं अपने ओर से रामराज मंदिर चिटाही धाम की ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ सभी उन राम भक्तों को जिन्होंने आज 200 लाख के संख्या में 9 दिन के कार्यकाल के 9 दिन के समय में 20 लाख से अधिक संख्या में आकर यहाँ पे प्रभु श्री राम जी के इस जग में परिक्रमा करके अपने और अपने आप को पुण्य के भागी बने और अपने दैनिक जीवन को एक धार्मिक क्षेत्र में उतारने का प्रयास किए। इसके लिए मैं सभी 200 लाख सभी राम भक्तों को मैं अपने ओर से रामराज मंदिर चिटाही धाम की ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ इस रामराज मंदिर चिटाही धाम के द्वारा आयोजित इस विष्णु महायज्ञ में जितने भी हमारे राम भक्त लगे हुए थे अपने अपने कार्य में, सभी राम भक्तों को मैं अपनी ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ सफाईकर्मी को, बधाई देता हूँ मैं मीडिया के सभी बंधुओं को, मैं बधाई देता हूँ सभी पुलिसकर्मी को जिन्होंने लगातार 9 दिन तक अपने दिन रात मेहनत करके इस जग को सफल किया। मैं सभी उन सभी भाइयों को मैं अपनी ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ सभी अतिथिगण को जिन्होंने लगातार 9 दिन तक अपने अपने समय पर यहाँ पे उपस्थिति देकर इस रामराज मंदिर का और भव्यता को बढ़ाने का प्रयास किया और हम लोगों को सहयोग और साथ और हिम्मत देने का काम किए। उन सभी अतिथि को मैं अपने ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ और आशा रखता हूँ कि इसी प्रकार सभी राम भक्तों का क्षेत्र ही क्षेत्र से बाहर, झारखंड प्रदेश प्रदेश से बाहर आए सभी राम भक्तों को मैं आग्रह करना चाहूंगा इसी प्रकार आशीर्वाद और सहयोग बना रहे। मैं धर्म के प्रति और धर्मात्माओं के प्रति मैं इसी तरह सेवा के भावना से काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जय श्री राम। बड़ा बड़ा जो कार्यक्रम रद्द हुए था उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जो कार्यक्रम रद्द हुआ किसी न किसी भावना से ग्रसित होकर अगर कोई किसी ने इस तरह का काम को किया है तो इसका जवाब प्रभु श्री राम जी देंगे। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ क्षेत्रवासियों से और क्षेत्र के बाहर से भी, जो अगर हमारे झारखंड प्रदेश के बाहर से भी जो अगर लोग इस ये प्रोग्राम के कार्यक्रम में आने वाले थे, उन सभी को अगर मन में अगर ठेस पहुँचा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने समय मैं उनका मन के ठेस पहुँचने वाले को, सभी दुख पहुँचने वाले को, सभी को मैं प्रयास रखूँगा कि उनके मन का इच्छा को पूरा करने का प्रयास जरूर हम करेंगे। राम भक्तों को जो लगातार चाहे भंडारा में प्रसाद वितरण के कार्यक्रम में लगे हो, भंडारा में प्रसाद बनाने के कार्यक्रम में लगे हो, भंडारा के बीच में जो सफाई के कार्यक्रम में लगे हुए हो, मैं उन सभी भाइयों को भी मैं चाहे महिला का भोजन व्यवस्था में लगे हो, चाहे पुरुष के व्यवस्था में लगे हो, या जो हमारे अयोध्या से आचार्य जी आए थे उन लोगों के सेवा में जो हमारे सभी राम भक्त भाई बहन लगे हुए थे, उन सभी भाइयों को भी मैं अपनी ओर से रामराज मंदिर चिटाही धाम की ओर से मैं उनको भी हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ यहाँ आए सभी दुकानदार बंधुओं को भी जिन्होंने लगातार 9 दिनों तक शांतिपूर्ण ढंग से अपना दुकान लगाकर किसी न किसी रूप में सभी राम भक्तों को सेवा में लगे रहे। उन सभी दुकानदार भाइयों को भी मैं अपने ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ। मैं उन सभी भाई बहनों को भी मैं हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ जिन्होंने आज इस जग में आकर परिक्रमा लाखों लाख के संख्या में लोग आकर किए और शांतिपूर्ण ढंग से किसी तरह का कोई प्रकार का कोई विघ्न ना बाधा, शांतिपूर्ण ढंग से लाखों लाख के सभी राम भक्त आकर परिक्रमा इस जग में किए। उन सभी भाई बहनों को मैं, राम भक्तों को मैं अपने ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ कि जितने भी इस मेला कमिटी में आए, जग में आए, सभी छूटे बढ़े सभी भाई बहनों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ और मैं आग्रह निवेदन पूर्वक इस 9 दिन के कार्यकाल में, 9 दिन के इस महायज्ञ में आए सभी पूरे झारखंड प्रदेश के बाहर से भी आए सभी राम भक्तों, सभी भाई बहनों को मैं
आग्रह करना चाहूंगा कि इस 9 दिन के महायज्ञ में किसी प्रकार का जग कमेटी या जग कमेटी में लगे सेवा के भावना से भोजन व्यवस्था में, सफाई व्यवस्था में या और अन्य कार्य में लगे किसी भी अगर राम भक्तों से अगर गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए अपने आप को सभी राम भक्तों, सभी भाई बहनों से आए दर्शक, सभी भाई बहनों से मैं क्षमा प्रार्थी करते हुए मैं आशा रखता हूँ कि इसी प्रकार सभी राम भक्तों के प्रति, इसी प्रकार राम भक्तों के प्रति या राम इस धर्म के रास्ते पर चलने वाले सभी राम भक्तों के प्रति इसी प्रकार आशीर्वाद क्षेत्र और क्षेत्र से बाहर से भी आए हुए सभी राम भक्तों का आशीर्वाद, स्नेह और प्यार इसी तरह मिलता रहे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप जिस आशा के अनुरूप रामराज मंदिर चिताई धाम के भक्तों के प्रति आपके आशा है, उस आशा के प्रति मैं निश्चित तौर पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इस रामराज मंदिर चिताई धाम में जो 9 दिन के इस महायज्ञ में जिन्होंने किसी प्रकार का अगर हम लोगों से या हमारे जितने भी कार्य में इस 9 दिन के जग में लगे हुए किसी भी कार्य में अगर किसी भी राम भक्तों से अगर गलती हो गई हो तो मैं सभी कार्यकर्ता, सभी राम भक्तों की ओर से, सभी सेवकों की ओर से मैं क्षमा मांगते हुए मैं आशा रखता हूं कि आप उस क्षमा को माफ करते हुए आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह सभी प्रभु श्री राम जी के भक्तों से आशा रखता हूं कि इसी प्रकार आशीर्वाद, स्नेह, प्यार और सहयोग मिलता रहे। मैं धर्म और धर्म के प्रति जो भी एक इंसान, एक भक्त का दायित्व बनता है उस दायित्व के प्रति हमारे बाघमारा ही नहीं, बाघमारा क्षेत्र से बाहर से भी जो भी इस 9 दिन के जग में लगे हुए सभी राम भक्तों का विश्वास दिलाता हूं कि इसी प्रकार हम शांतिपूर्ण ढंग से जो भी जिम्मेवारी, जो भी दायित्व चाहे भक्ति के प्रति हो, भक्तों के प्रति हो, राम जी प्रभु श्री राम जी के कृपा से हम लोग सेवा के भावना से लगे रहेंगे। और मैं जितने भी लगे हुए सभी उन सभी भाइयों को भी मैं उनके ओर से, उनको भी मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं और उनके ओर से भी अगर किसी प्रकार का यहां पे जो भी अगर किसी प्रकार का अगर त्रुटि हो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं। कार्यकाल में जो भी सभी समाज के लोगों का सहयोग और साथ मिला, आशीर्वाद मिला, प्यार मिला तो उसी का परिणाम है कि आज हम लोग सफल रूप से आज इस विष्णु महायज्ञ का पूर्णाती करने में सभी लोग का सहयोग और आशीर्वाद मिलने का परिणाम ही है कि आज शांतिपूर्ण ढंग से किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा न आते हुए प्रभु श्री राम जी की कृपा से विष्णु महायज्ञ सफल हुए।